जीके बाइक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको जीके के पेगास 24 स्पीड गियर साइकिल की ट्यूनिंग के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू होने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले गियर्स को समझिए। 24 स्पीड गियर्स का मतलब 8x3 साइकिल में पीछे की तरफ 8 स्पीड गियर्स और आगे की तरफ 3 स्पीड गियर्स। अब जानिए कंपोनेंट्स के बारे में। ये रियर डेरेलियर है। इसमें दो स्क्रू होते हैं, जिस पे बारीक सा एच लिखा है वो हाई लिमिट स्क्रू है और दूसरे पे एल लिखा है वो लो लिमिट स्क्रू है। ये स्क्रू डेरेलियर को गियर्स के बाहरी हिस्से में जाने से रोकते हैं। एच लिमिट स्क्रू डेरेलियर को छोटे चैन व्हील से बाहर जाने से रोकता है और एल लिमिट स्क्रू डेरेलियर को बड़े चैन व्हील से बाहर जाने से रोकता है। डेरेलियर के अंदर स्प्रिंग लगा हुआ होता है जो लगातार डेरेलियर को अंदर की तरफ खींचता है और हमारी वायर डेरेलियर को बाहर की तरफ खींचती है, जिससे अलग अलग गियर्स की शिफ्टिंग सेट होती है। ये बैरल एडजस्टर है जो कि वायर को टाइट और ढीला करने के लिए होता है। जब हम इसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वायर टाइट होती है और काउंटर क्लॉकवाइज घुमाने से वायर ढीली होती है। रियर डेरेलियर वायर के साथ राइट साइड शिफ्टर से कनेक्ट होता है, जिससे हम पीछे के गियर शिफ्ट करते हैं। इसी तरह फ्रंट डेरेलियर वायर के साथ लेफ्ट साइड शिफ्टर से कनेक्ट होता है, जिससे फ्रंट गियर्स शिफ्ट होते हैं। अब जानते हैं गियर्स कैसे यूज किए जाते हैं। फ्रंट का पहला गियर रियर के 1 से 4 गियर्स को चलाने के लिए होता है। इन गियर्स में पेडलिंग सॉफ्ट होती है। ये गियर्स अपहिल्स और फ्लाई ओवर चढ़ने में मदद करते हैं। ऐसे ही फ्रंट का दूसरा गियर रियर के 3 से 6 गियर्स को चलाने के लिए होता है। इन गियर्स में पैडलिंग नॉर्मल होती है। ये गियर्स ट्रैफिक और नॉर्मल स्पीड में चलाने में मदद करते हैं। और फ्रंट का तीसरा गियर रियर के 5 से 8 गियर्स को चलाने के लिए होता है। इन गियर्स में पैडलिंग हार्ड होती है। ये गियर्स डाउनहिल और स्पीड में चलाने में मदद करते हैं। अब जानते हैं गियर्स की ट्यूनिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले फ्रंट डेरेलियर को सबसे बड़े चैन व्हील में लाएं और रियर डेरेलियर को सबसे छोटे चैन व्हील में लाएं। अगर रियर डेरेलियर सबसे छोटे चैन व्हील में शिफ्ट ना हो तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, एच लिमिट स्क्रू ज्यादा टाइट है और दूसरा, वायर टाइट है। सबसे पहले एच लिमिट स्क्रू को काउंटर क्लॉकवाइज घुमाइए और पैडल चलाइए, गियर शिफ्ट हो जाएगा। अगर तब भी ना हो तो बैरल एडजस्टर को क्लॉकवाइज घुमाइए और पैडल चलाइए, गियर शिफ्ट हो जाएगा। अगर चैन व्हील से बाहर आ जाए तो एच लिमिट स्क्रू ज्यादा ढीला है। एच लिमिट स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाइए और फिर से पैडल कीजिए। एच लिमिट स्क्रू सेट हो गया है। अब सभी गियर्स को एक एक करके शिफ्ट करें। अगर कोई गियर शिफ्ट ना हो तो बैरल एडजस्टर को एक राउंड काउंटर क्लॉकवाइज घुमाए और फिर से शिफ्ट करें। बैरल एडजस्टर को थोड़ा थोड़ा ही घुमाए। जब तक सारे गियर्स की शिफ्टिंग ठीक से ना हो तब तक सेट करते रहें। अब आपके साइकिल के गियर्स ट्यून्ड हो गए हैं। अगर चैन बड़े चैन व्हील से बाहर आ जाए तो एल लिमिट स्क्रू ज्यादा ढीला है। एल लिमिट स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाइए और फिर से पैडल कीजिए। एल लिमिट स्क्रू सेट हो गया है। अगर अभी भी आपके गियर्स शिफ्टिंग में कोई प्रॉब्लम है तो इसे किसी अच्छे साइकिल मैकेनिक के पास दिखाइए।